हाँ जी हाँ, क्या हुआ? ये बेबी देनी है और ये भी अल्लाह पाक की बनाई हुई मखलूक है यार। इनको देखें, ओ हो, ओ किधर आ रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, खुश आमदीद एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्यों शरारतें कर रहे हैं? उस दिन बाहर निकल गया था, तेरी वजह से 4 घंटे ज़ाया हो गए हमारे, समझ आई है ना? कहाँ कहाँ घुमाता फिराता रहा है, उधर भाग उधर भाग उधर भाग, सारे बेहोश हुए हुए थे। ज़ारा भी जो है ना, उस दिन इब्राहिम से नाराज़ हो रही थी, कह रही थी कि इतना प्यारा और कीमती तोता है, बोलता भी है, मिठू मिठू भी करता है और मम्मा भी बोलता है, कहाँ पर गुम कर दिया? मामू भी कहता है। हाँ जी, मामू भी कहता है। तो काफ़ी नाराज़ हो रही थी ज़ारा, बड़ी मुश्किलों से पता नहीं कहाँ कहाँ खेतों में इधर उधर जो है ना ये घूमता फिरता रहा है, फिर जाके जो है ना ये आया है वापस। हाँ, ये भी साथ में आ गया था, शुक्रिया। और फिर दूसरा कौन सा आ गया था? वो उधर तोती। हाँ जी, तोती आ गई थी, वो गई भी नहीं थी, वो इधर ही फिरती रही थी। किधर फिरती रही है? चारों तरफ फिर के आती थी, आके टाली पे आके बैठ जाती थी। ये फिर आता रह गया, घुमाता फिर आता रहेगा, इधर चलो उधर चलो इधर चलो। वो तो खुद ही आ गई थी, जब हाथ में आया पता भी नहीं चला, एक जगह पे बैठा था, वहाँ पे बोल रहा था मजे से, आ जाओ मुझे ले जाओ पकड़ के। हाँ जी, कहता मियां मिठू मियां मिठू, फिर धन्यवाद सुने, उसने कहा चाचू इधर बैठा होगा। हाँ, ये बड़ा शरारती है जी। अहमद अली आया हुआ है, शुक्रिया। और अहमद अली कहीं जा रहे हैं काम से, चलो खैर से जाओ, अल्लाह करे आपका काम हो जाए। और मिस्त्री भाइयों की रोटी का, चलो सालन तो वो पड़ी है, मछली तैयार हुई हुई। हाँ जी, आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है, वो फिर तंदूर पे रोटी लगवानी है। फिर मैं ये कह रहा था कि अगर आपको देर होगी तो फिर रोटी का कैसे करेंगे? पैदल लगवा लेगा रोटी। मोटरसाइकिल जो आप लेके जा रही हो यहाँ पे, कितनी देर लगेगी? अगर देर हो तो फिर मुझे बता देना, फिर मैं इधर से यहाँ से काम वाले जो आए हुए ना भाई लोग, उनसे मोटरसाइकिल उठा के रोटी बनवा लूँगा। ठीक है, सालन जो और रोटी और जो ये है बांध देगी, कौसर को बोलूँगा वो बांध देगी। ठीक हो गया, जाओ आप खैर से, अल्लाह करे जल्दी हो जाए काम। अहमद अली आया था, जा रही है अहमद अली के साथ, चलो अल्लाह करे हो जाए काम, क्योंकि आपको पता है क्योंकि बच्चे हैं, स्कूल के मसले मसाइल होते हैं हमारे। हाँ जी, रोटी लगवानी है जी मिस्त्री भाइयों के लिए। ये आटा है? हाँ जी। ये कैसे फिर लेके आते हो हैदर? हाँ जी। कैसे लेके आते हो? कैसे? ये ऐसे लेके जाना है? हाँ जी। कोई और रुमाल नहीं है? और भी है। ये देखें जी, प्यारे को और मासूम फातिमा को। फिर पित निकल आती है अभी, वो शुक्रिया गई हुई काम, और ये जो है नहाने में लगे हुए। चले आ जाओ हैदर, चलते हैं बेटा। आप जो है ना ऐसा करो, कौसर चाय तो रख लो, तकरीबन हमें जो है ना आधा घंटा लग जाएगा, तो अपने हिसाब से जो है आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, बुरी बात, आधा घंटा हमें जो है ना लग जाएगा। आप जो है ना आधे घंटे के हिसाब से जो है ना चाय तैयार कर लीजिएगा, हमने आटा दे के आना है, फिर एक काम जाना है, वहाँ से काम से आएंगे वापस बैंक से, और फिर आते हुए रोटी लेते आएंगे, उधर से थरमास भी लेते आएंगे, उसमें चाय डालेंगे और फिर जाके खाना दे देंगे, आधा घंटा लग जाएगा। आ जाओ हैदर बेटे, आओ। चलो, मित्रों का खाने का टाइम हो चुका है, और आप जो शाम को हमने मच्छी बनाई थी, शाम वाली है ना? हाँ जी, जो शाम हमने मछली बनाई थी वही मछली हमने अब मिस्त्री भाइयों के लिए भी तैयार की है, मतलब हमने। हाँ जी, वो गर्म कर ली है, मैं जिस काम से गई थी मेरा वो काम हो गया, अल्लाह पाक का शुक्र है। पहले भी मैं गई थी 2-3 मरतबा, तो मेरा काम नहीं हुआ था, आज मेरा काम हो गया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और वो ना फिर हैदर भी रोटी लगवा के ले आए, आज देर हो गई है रोटी के लिए, 2 बज गए हैं। हाँ जी, हाँ, साइकिल मोटर नहीं थी ना, साइकिल मोटर लेके गई थी। हाँ जी, वो आपके पास थी, तो 1 बजे मैंने निकाल की थी, मैंने कहा कि आप आ जाओ, तो मिस्त्रियों का जो है खाना मैं भी भेज देती हूँ। हाँ, आप ही को तो फिर पता नहीं कब आएगी, माटो को देखो पापा लेके आया, इनके तो पैसे ही नहीं खत्म होते। तो आपको पहले बोल रही थी अम्मी मुझे पैसे दे कर जाओ, नहीं तो यहाँ चीज लेके आना है। मदली ने कहा नहीं भाभी, रश बहुत हो रहा है, तो चलते हैं भाई, देर भी काफी हो गई है, वो बच्चों को ना दूसरी चीज लेके दे देना। तो जैसे मैं आई हूँ मैंने दिए है इनको चीज। हाँ जी, इसलिए तो वो लेकर आई है ना माटो। पापा ले आई हो, अच्छे है, मजे के हैं, मजे के। हाँ चलो, मैं रोटी पका देती हूँ। हाँ जी, माशाल्लाह से मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बादल वगैरह आ गए हैं। हाँ जी, माशाल्लाह वगैरह भी इकट्ठी हो गई है। चले, मौसम अच्छा बन गया, नहीं तो सुबह तो बहुत ज्यादा ही गर्मी थी। हाँ जी,
बस मैंने भी चाय बना के रख दी थी जी। मुझे बोल के गए थे कि आप चाय बनाओ, मैं रोटियां लगा के भी आता हूँ। मैंने फिर चाय बना दी थी, मैंने कहा साथ ही चली जाएगी, और फिर भी थर्मोस भूल के आ गए। हाँ जी, थर्मोस भूल के आ गए। मैं सारे बर्तन ना जो खाने में जाते हैं ना वो लेके नहीं आए। मैं कहा सारे बर्तन हवा चल पड़ी, हवा नहीं बल्कि अंधेरी चल पड़ी है। मुझे लगता है यहाँ इस साइड जो है ना अंधेरी मुझे लग रहा है आ रही है। चले आ जाए तो फायदा है। और सुना है भी पानी भी बहुत ज्यादा आ गया है। हाँ जी, वो कहते हैं पानी बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं तो ये दुआ कर रही हूँ अल्लाह ताला ना सलाब लेके पीछे पीछे ही खत्म। हाँ जी, हैदर बेटा बोल रहा है आंटी यहाँ जो मन है ना उसकी उरवार आ गया पानी, शाम तक ना यहाँ से गुजरेगा। मैंने कहा ध्यान कर हम भी साथ ना ले जाए। नहीं, वो पानी आता है ना कोसल पल्ली साइड पे आता है, इस साइड पे तो आता ही नहीं है। अच्छा, तो इसलिए ना सिर्फ इधर नहीं आता। मैं तो कहती मैं कब के हमने कहीं नहीं जाना, अब के हम अपने घर में रहेंगे। पहले भी सलाब आया था, हम उधर गए थे ना, गर्मी बहुत हो रही थी, उधर छांव वगैरह भी नहीं थी, बहुत हम ना जलील हुए थे। हाँ जी, फिर दूसरों के घर रहना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने घर तो बंदा जैसे उठे बैठे खाए पिए तो फिर अपना हिसाब होता है ना। हाँ जी, जो अपना घर जैसा सुकून है घर। हाँ जी, उसमें सुकून होता है। हाँ जी, एक कमरा क्यों ना, एक कमरा क्यों ना, फिर सुकून भी होता है। और घर बंदा शौक से जाता है, एक घंटा जाता है, फिर बंदा कहते हैं अपने घर जाऊँ। जैसे हमारे बच्चे देख लो खाते हैं पीते हैं, फिर कहते हैं चलो अपने घर। हाँ जी, माटो भी प्यारा भी ऐसे करते हैं, चलो अपने घर। तो हम अपने एक गपशप में लग गए हैं, वहाँ देते हैं रोटी वो लेके जाते हैं। हाँ जी, देर भी हो चुकी है बहुत। हाँ जी, अचानक से एक बार फिर आज जो है ना बादल बन गए। मिस्त्री भाई ऊपर लगे हुए थे काम पर, और अगर बारिश आ गई तो ये आज हमारा जितना भी प्लास्टर हुआ ये सारा उतर जाएगा। खाना लेकर आए हैं मिस्त्री भाइयों के लिए। ये गड़ा वैसे के वैसे ही अभी बना हुआ है, क्योंकि बारिश जो आई थी उसकी वजह से जो है ना काफ़ी जो है ना मिट्टी पानी के जरिए बह गई है। ये वाली जो आज साइड है तैयार की गई है, वो अभी तैयार की जा रही थी। ऊपर मौसम जो है ना बादल बन गए हैं, बारिश का बन गया है। देखते हैं जी अल्लाह पाक की जो मर्जी है। बाबा जी चाय ले लो। हाँ जी, आप चाय लियो बच्चे। काम तो माशाल्लाह से साफ सुथरा हो रहा है जी। देखते हैं बारिश आ गई तो ये सारा जो है ना नीचे गिर जाएगा प्लास्टर वगैरह। ये जी मैं घर आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा घर है, और ये हैंडपम्प बिल्कुल डैमेज हुआ पड़ा है। सारी जो है ना हैंडपम्प को पट्टियाँ वगैरह की हुई हैं। काम ख़त्म करके मिस्त्री भाई जा चुके हैं, अपना ख़र्चा पानी भी लेकर चले गए हैं, क्योंकि जुमेरात का दिन है, बारिश का कोई नहीं पता। छतरी यहाँ पे आई पड़ी है जो हम इस्तेमाल करते हैं बारिश में, इसको लेके चलता हूँ घर। चाय का भी हमारा टाइम हो चुका है। और मेरे प्यारे बहन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लाख बार एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जितना भी अल्लाह का शुक्र पड़ा जाए कम है। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त घर का काम माशाल्लाह से हो गया है। ये वाला प्लास्टर करने के बाद मेरा इरादा है काम को जो है ना स्टॉप करने का, क्योंकि उधार भी मेरे सर पे जो है ना काफ़ी सारी जो है ना ऊपर आ गई है। क्योंकि ऊपर जो मैंने टाइल लगवाई थी, टसू लगवाया था, वो आपने देखा होगा टाइल वगैरह, वो उधारी जो है ना मैंने ऊपर ऐड करवाई थी। क्योंकि टाइल ना लगती तो फिर बहुत सारा नुकसान हो सकता था। जिस तरह इतनी तेज़ बारिश आई है, इतनी तेज़ बारिश में जो है ना छतें जो है ना सारी टपक जाती, चू जाती, बड़ा मसला बन जाता। तो इसलिए जो है ना सोच रहा हूँ कि बस ये सामने वाला प्लास्टर हो जाए, और वाशरूम हमारे जो हैं ये वाले अंदर से प्लास्टर हो जाएँ, उसके बाद जो है ना काम को स्टॉप करेंगे। बाकी आपके सामने है काम, तो बाकी थोड़ा सा ही रह गया है, क्योंकि अभी मेरा जो है ना ये सैन का इरादा नहीं है, ये प्लास्टर करवाने का या टाइल टस्सू का। अगर मेरे बहन भाई ज़िद करेंगे तो फिर जो है ना ये लगवा लेंगे। सब कह तो यही रहे हैं कि भाई इसको ना अच्छी तरह से जो है ना दुरमट लगवा के आप इसके ऊपर ना टस्सू लगवाएं जैसे छत के ऊपर लगवाया, क्योंकि जब ये पक्का बन गया है, सारा अच्छा बन गया अंदर से, ये सारी मिट्टी अंदर जाएगी। देखते हैं वो होता क्या है। फ़िलहाल जी मेरा यही प्रोग्राम है कि जो है ना ये सामने वाला कंप्लीट करवाने के बाद और वाशरूम हमारे कंप्लीट होने के बाद जो है ना इसको फ़िलहाल बंद करेंगे। जो थोड़ी बहुत उधार सुधार देनी है वो देंगे, आगे जैसे अल्लाह मदद करेगा तो इंशाल्लाह ताला फिर आगे जो है ना काम को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। जिस तरह अल्लाह पाक को बेहतर हुआ, जिस तरह अल्लाह पाक को मंजूर हुआ। नमाज़ का टाइम निकला जा रहा है, जाता हूँ वज़ू करता हूँ, जाके नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद जो काम है वो करते हैं। हाँ जी, आपके लिए इंतज़ाम करना है मैंने इंशाल्लाह ताला, कल करूँगा आपका इंतज़ाम। आपके लिए पानी ला के रखेंगे ऊपर छत पर, वो क्या बोलते हैं पता नहीं, वो मिट्टी की बनी हुई होती है, मेरे तब याद भी नहीं है। उसमें पानी रखने के लिए
वो लेकर आनी है, और जो रोटी है रोटी के लिए अलग से लेकर आएंगे सुबह सुबह जो है इनको रोटी डालने के लिए परिंदों को। हाँ जी, हाँ क्या हुआ, क्या हो गया है, क्या हो गया? कितना प्यारा लग रहा है जी बोलते हुए। हाँ टी 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 टी, पता नहीं किसको याद कर रहा है। हाँ जी हाँ जी, मुझे तो लगता है ये माँ है, किसी को याद कर रही है अपने बच्चों को। गुम तो नहीं हो गए कहीं? हाँ जी हाँ जी, पता नहीं जी क्या रोल है, बोले ही जा रही है कैमरे को देख के भी जो है ना, बार बार बोले जा रही है इनको देखें। ओ हो ओ, किधर आ रहे हो? ये जी बिल्लो रानी है, रोज़ाना ही जो है ना आ जाती है खाना मांगने के लिए। अभी खाने का टाइम हुआ नहीं, ये पहले ही आ गई खाना लेने के लिए। इसने जी बेबी देनी है, और ये भी अल्लाह पाक की बनाई हुई मखलूक है, ये आ जाती है इस तरह करती है। तू लेके आई है, हैं? आ गई, अभी देर है, अभी तो रोटी लगनी है। चलते हैं जी, चाय हमारी बन गई है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था वीडियो में पहले कि बारिश आ गई तो हमारा प्लास्टर ख़राब हो जाएगा, अभी तक तो जो है ना बारिश आई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हमारा प्लास्टर जो है ना 11 बजे रात का जो है ना टाइम बताया जा रहा है कि शायद 11 बजे आ जाए। अल्लाह पाक के साथ कोई तो मुकाबला नहीं कर सकता ना। बाकी यह है कि अब तक जो है ना माशाल्लाह से हमारा प्लास्टर जो है ना मजबूत हो गया, रात को 11 बजे के बाद आए तो मज़ीद मजबूत हो जाएगा, फिर जो है ना असर नहीं पड़ेगा ज़्यादा प्लास्टर में। चाय हमारी हो गई तैयार। हाय हाय हाय, चाय कड़कदार बनाई है आज तो, दूध पत्ती वाली। माशाल्लाह माशाल्लाह, मजे की लग रही है शक्ल से तो, देखने में माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। हाँ जी, आपको पता है फिजा जो है वो माशाल्लाह से कैसी चाय बनाती है। हाँ जी, चलें जी, चाय हमारी तैयार हो गई है। चार कप हैं, एक मेरा, एक आपका, एक कौशल का, चौथा किसका है? फिजा बेटी का है। चलें माशाल्लाह जी, चाय पी लेते हैं। बंद नहीं हो रहा, गैस लीक हो रही है? नहीं, वो हल्का हल्का जरा, ये नया डाला है ना ऊपर वाला, ये जो सिलेंडर क्या होती है। आप इसको अच्छी तरह से मजबूत करके जो है ना बंद करो, गैस जो है ना जाया ना हो। जी बिल्कुल, ऐसे में जरा चाय डाल लो। चलें ठीक। मासूम फातिमा क्यों रोने लग गई है? रो रही है, देखो आपस में बहनें लड़ रही हैं, छोटी और बड़ी। मासूम फातिमा और फिजा जो है ना आपस में लड़ाई कर रही है। वो खजूरें खा रही है ना, मुझे लगता है फिजा उसे खाने नहीं दे रही है। जी जी, पैदल लेके आया खजूरें। ज्यादा खजूरें ना खिलाओ, दाने भी होते हैं, गर्मी बहुत है ना, गर्म है बहुत। बल्कि हैदर को मैं कह रही हूँ, मैं कहा सुबह को ना ये तीन खजूरें लेके ना ऊपर से दूध लेना तो आपको ना फायदा देगी ये। बल्कि आप भी लेना, आपके लिए भी अच्छी है ये, कमर के लिए अच्छी है, बेहतर है क्योंकि दरख्त पे पकी हुई है ना ये खजूर, बहुत अच्छी है। और रुकिया सिस्टर यहाँ पे नमाज की तैयारी कर रही है, वजू वगैरह रुकिया सिस्टर ने कर लिया, अब ये लेता है बट्टे को भी तैयारी, आप भी वजू करके आओ। और भाई सदीक भी आए हैं, भाई सदीक भी वजू करके नमाज पढ़ रहे हैं। तो जी अभी थोड़ी देर में ना बिल्कुल ही सूरज ग्रुप हो जाएगा, देख सकते हैं। और उधर सामने की तरफ हल्के ना लग रहा है, वो भी अपने प्यारे बहन बेटे दिखाते हैं। ये देखो क्योंकि अभी अभी आई है, हल्के घास वगैरह कुछ ना कुछ लगाएंगे, फिर चलने वहाँ पर नमाज उठा चल लगे खड़ी हो गई हैं और अपना नमाज वगैरह पढ़ रही हैं। हम जी सुबह के टाइम जो है मिर्चें बनाते हैं, और तुगना सिस्टर का बेटा जो है ना चार अदद मिर्चें और घी भी देखें, ये शाम के टाइम रात के टाइम खा रहा है। हाँ जी, बस वो पहले अलिंता बटे ने करिए तो अभी ने देख, अलिंता बटे को देखे ये भी करा, मेरा भी दिल करा, मैंने कहा चलो अच्छा कर लो। वैसे तो मैंने ना वो बना रखे अंडे आलू बना रखे हैं, ये देखिए। अच्छा खरीद बनाई हुई आपकी तो मौज है, छोटी सी फैमिली है, आपको टेंशन नहीं है, थोड़ी सी चीज बना ली और पूरी हो जाती है। आज पता मैंने क्या रोटी मैंने आज घर नहीं बनाई, आज मैंने तंदूर से रोटी मंगा ली है। मंगवा ली, यहाँ पर थोड़ी सी तो रोटी लगती है। आपको पता है ना मेरा मुँह कितना खराब हो रहा है, तो मैं कहती हूँ जितना आग से बचो ना उतना सही है। नमाज पढ़ के दुरूद पाक जो है ना, दुरूद पाक पढ़ के वो ऊपर फूका करें चेहरे के ऊपर, सबसे बड़ा जो है ना अमल ये है। ठीक है, आप वो पढ़ के दुरूद पाक ऊपर दम करो, वो भी आराम आएगा, और जो दवाई वगैरह है इंशाल्लाह ताला उससे भी आराम आएगा। मैं वो आप बता रहे थे इधर जिल्द वाला डॉक्टर है, वो आप भी कहते ना। हाँ जी, वो रब्ता नहीं हो रहा, मेरा व्हाट्सएप उड़ गया ना, खत्म हो गया, मैंने दोबारा लॉगिन किया, सारे नंबर उड़ पुड़ गए हैं, समझ नहीं आ रहे कैसे वापस लेके आने हैं सारे नंबर। नया मोबाइल इसलिए तो नहीं ले रहा था, मुझे पता था सारे चैनल उधर कन्वर्ट करने पड़ेंगे, व्हाट्सएप पे उधर सारे यानी कि रबते दोबारा बहाल करने पड़ेंगे,
और फिर साथ में जो अंदर डेटा मोबाइल में होता है, क्योंकि आपको पता है कि जिसके चैनल होने उनके फिर बड़े मामलात होते हैं, तो इसलिए जो है ना बड़ा परेशानी बनी हुई है। वो नंबर मिल जाएगा भाई का, वो ना वो करता है मेडिकल रैप का काम, यानी कि डॉक्टर पे जाता है अपनी दवाई लिखवाता है, उसको पता है कि जिल्द वाला डॉक्टर सबसे अच्छा लिया में कौन सा है, उनको दिखाएंगे इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। महंगा जरूर होगा वो, ये है कि दो दवाइयों लेने से ना आपको आराम आ जाएगा इंशाल्लाह, आराम आ जाए, महंगे ही कह रहा है, चलो आराम, चेहरा सही हो जाएगा ना। हाँ जी चीज देखे ना, बंदे को शफा मिल जाए, पैसे की क्या है, पैसा तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लगा जा रहा है, बन गए जनाब नहीं जी अच्छी करके तड़क रहा है जी, ये तो जैसे मछली को दबाते हैं ना, बुनाई जैसे मछली की करते हैं, ऐसे कर रहा है। अब्बू जी हमारे ऐसे करते थे, दबा दबा के करते थे मछली, अब तलाई करते थे ना पकोड़े, ऐसे दबाते थे अभी तक अच्छी तरह से अंदर से भी ना पक जाए चीज। चले है इधर, अभी चलते हैं जी भाई, शौकत का पता लेते हैं, उसके बाद फिर अपने सफर पर जो है निकलते हैं, घर जाते हैं इनके वापस। इसको देखें जी, ये आ गया हजरत साहब, हजरत साहब इनाम। अच्छा क्या कह रहा था, सुबह मामू के घर जाना? हाँ जी कह रहा, मैंने मामू के घर लेटने लग गया, कह रहा मैंने मामू के घर जाना, फिर मैंने मुनीर को कहा, मैंने कर लिया जो से मामू के पास, इसे मामू की बड़ी याद आ रही है वो। अब मामू शामू नहीं, अब खाने का टाइम हो गया, दो सना बटे रोटी लग जाए, अब दो जी खाने का टाइम हो गया, भूख लग गई। हाँ जी भूख ही लगी है, पेटी खाली हो रही है, ओ तेरी पेटी खाली है, भूख लग रही है। चलो दो बच्चों को खाना, तो भूख का टाइम हो गया ना इनका, ये जैसे ही खाएंगे, खाने के बाद फिर लंबी नींद सो जाएंगे, सुबह जाना फिर अजानों का टाइम उठ जाएंगे, ये 7 बजे उठ जाता है, 6 बजे। हमारे बच्चे तो पहले उठते हैं, अजानों का टाइम उठते हैं, मासूम फातिमा मोहम्मद प्यारा, अजाने जैसे हो जाती है ना, नमाज पढ़ते हैं उसके बाद जाना वो उठ जाते हैं। दो यार इसको तंग ना करो, नहीं वो मिर्चे हैं, वो ना मिर्चे नुकसान देगी, मैं अंडे आलू देती हूँ। हाँ वो कुछ ना मांग रहा है, दे दो उसको जो मांग, यही मांग रहा है, कह रहा है अंडे प्याज कह रहा है। हाँ भैया दो, भैया देती हैं बटे रोटी पर, खुश होकर बटे मार को। चलते हैं जी भाई शौकत का पता लेते हैं, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई साहब, तबीयत का सुनाओ जी। बस जा रहे लग रहे हैं गुजारे के पास, जा रहे हैं गुदारे पे जा रहे हैं, गुदारे का काम नहीं है, आप इधर बैठी हैं जी, आप जी गुदारे का नहीं है काम, चलो फिर भी दिखा लो। वो अम्मा जी का फोन आया था, कहते हैं अगर इन्हें नींद आ रही है ना तो वो लो ना आ रहा इनका बीपी, लो हो रहा है, जो जा रहे हैं बार बार, मैंने बताया ना लो किस वजह से होता है, नमक ज्यादा खाने से या मीठा ज्यादा खाने से? लो नमक मुझे... खाने से होता है। अच्छा ये देखे ना ऊपर से सोजन हो रही थी, वो तो आज कम नजर आ रही है, पहले चेहरे पे जो है ना तो कम हो रही है। हाँ जी ये देखे ना चेहरे पे, मैं आपको दिखा दूँ, बस मरीज बंदे का जी मेरे प्यारे बहन भाई ऐसे ही होता है कि जिस टाइम जो है ना तकलीफ में आ जाए ना फिर उसको सब जो है ना चीजें भूल जाती हैं। शौकत भाई पहले ही बेचारा मरीज है, अपना लाभ का भला करे, शुगर की तकलीफ में मुबतला है और जो है ना ये सोजन की तकलीफ है, साथ कान में दर्द है, फिर इलाज तो प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा, इतना बंदे के पास सरमाया तो है नहीं, मैं जितनी मुझसे कोशिश हुई, ताकत मुझसे हुई, जितना पैसा था बहन भाइयों ने अम्मा जी ने ताउन किया और थोड़ा थोड़ा जितने भी हिस्सा मिला है, अल्लाह पाक उनको जजाए खैर दे, ये बड़ा नेकी का काम होता है, एक बंदा तकलीफ में होता है, क्योंकि जब तकलीफ आती है ना फिर इंसान कहता है दुनिया की सारी दौलत मुझे दे दो, मुझसे ले लो, ठीक है मुझे दे दो, मैं लगा देता हूँ अपने ऊपर और मुझे मैं किसी तरह ठीक हो जाऊँ। बीमार बंदे का भी ये मसला होता है, बाकी यह है कि नमाज पढ़ के दुरूद पाक पढ़ के ना, दुरूद पाक कसरत से पढ़ के जो है ना उससे दम किया करो भाई शौकत का, जहाँ पे दर्द होता है ना करती है माशाल्लाह लिंता बेटी, उसको माशाल्लाह दुरूद वो मदरसे जाती रहती ना, कुरान पाक भी माशाल्लाह पढ़ रही है जी जी, तो जी वो माशाल्लाह दुरूद पाक अपने पापा को पानी फूक भी मार देती है, पानी भी देती है। बाकी मैं फिक्रमंद बहुत हूँ भाई शौकत की तरफ से ना, बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ, अल्लाह पाक मेरा गवाह है, अल्लाह पाक जानता है। ये जो सोजन है ना ये भी कम हो जाएगी, वाक़ा तो ये है जैसे खाना खाया करो ना आप खुद चली जाया करो, तो खा ही नहीं रही है भाई, जाहिर सी बात है खाना तो कुछ ना कुछ तो खिलाना है ना, हल्की फुल्की गिजा वगैरह, थोड़े से अमरूद वैसे हम गए थे ऐसे वाक करने के लिए तो अमरूद लेके आए वो खिलाए। अच्छा मुझे नहीं पता उसके बारे में, बाकी ये है कि जो बहन भाई मुझे बता रही हैं वो चीजें मैंने आपको बता देनी है, आप जो है ना वो इस्तेमाल करें, वो शुगर जो है ना कम करती है। बाकी अल्लाह खैर करे, देखने वाले प्यारे बहन भाइयों से भी रिक्वेस्ट है माशाल्लाह से, जैसे कि मैंने इल्तमास की थी कलाम पाक पढ़ के जो है ना माशाल्लाह से मुझे जो है ना मिल फरमा रहे हैं, मैं अपनी डायरी में लिखता आ रहा हूँ सबके जितने जितनी पढ़ाई कर रहे हैं माशाल्लाह से, और शौकत भाई की भी साथ में पढ़ाई भी करते रहे और शौकत भाई के लिए भी सब बहन भाई दुआ करते रहे, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़ी परेशानी बनी हुई है, अल्लाह मालिक अल्लाह पाक सेहत देने वाला है।
ये जी आराम से लेटे हूँ, इधर जो है ना बिल्ली अपना काम कर रही है, ये देखें, ये जी ये देखें, आ हा 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 हा, रोटी भी पड़ी है और कटोरी भी पड़ी है, मछली जो है ना अंदर से आराम से जो है ना बिल्ली साफ कर रही है, आप अपनी मस्ती में मस्त हैं। पता नहीं चला हमें क्या, रोटी बिल्ली खाई जा रही है, मछली बिल्ली खाई जा रही है, आप मजे से रोटी पड़ी है दोनों। प्यारे को दी थी मैंने रोटी ना, तो वो पता नहीं चला वो कदमे को ना ये रखी गया। अच्छा सालन क्या बनाया आज, वही है कल वाला? कल वाला ही है। चलें वही चलेगा जी, फिलहाल लेते हैं जी आपसे इजाज़त, व्लॉग हमारा कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जाने से पहले जी एक नेक बहुत ही प्यारी दुआ जो है वो करते चलते हैं, ज़िंदगी का कोई पता नहीं कल मुलाकात होती है कि नहीं होती, कि अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी वीडियो को जी लाइक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ हमारी वीडियो का लिंक को जो है शेयर कर दिया करें, ताकि जो है ना हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लेते हैं आपसे इजाजत, अपने दो में रखेगा याद, अल्लाह हाफिज़।